हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। मेरा एक छोटा सा चैनल है, उस पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसा कि हमारे दिल्ली कोटा में माहौल चल रहा है, पेपर्स लीक होने की बात हुई थी और एक IAS अधिकारी हैं, वो भी उनकी भी उन पर भी चीज़ें उठी हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। हालांकि मेरा एक फैमिली ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और इन सारे फेज से मैं निकल चुकी हूँ। मेरे घर ने क्या सर्वाइव किया था, मैंने क्या सर्वाइव किया था, तो वो चीज़ें हैं ना, जब ताज़ा होती हैं ऐसी चीज़ों को देख के। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के समक्ष मैं ये बात को करूँ और आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। क्योंकि जो आज हम सोसाइटी में जो भी लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS जो बन के बैठे हैं ना, वो किस जगह से निकल के गए ना, वो हम लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता कि कहाँ कहाँ हमारा व्यापारीकरण हुआ है, कहाँ कहाँ हमारे पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं। वो चीज़ को हम जानते हैं। अब तो नीट हो गया है, पहले तो डोनेशन पे ही मिलते थे एडमिशन। मुझे अभी तक याद है, मेरी छोटी सिस्टर के लिए हम मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे थे। मैंने तो BDS कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, उसमें BDS का उस टाइम इतना चलन नहीं था डेंटिस्ट्री का, तो वहाँ एडमिशन जल्दी मिल जाते थे और इसी वजह से मैंने अपना एडमिशन लिया। और मेरी छोटी सिस्टर के लिए हम बात करने गए थे, एक कॉलेज है, उसका नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि देखो यहाँ चीज़ें जब नाम लेने लगते हैं ना, तो वो चीज़ें सबके सामने आने लगती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऊपरी परत को हटा रही हूँ आज। तो वहाँ गए, मैं बात करने गई थी और मेरे फादर बात करने गए थे। तो वहाँ हमारे फ़ोन पहले ही काउंटर पे जमा करवा लिए गए थे, अंदर सिर्फ विदाउट फ़ोन ही हमें बुलाया गया था और हमें बता दिया गया था कि 55 लाख रुपये इस कॉलेज में एडमिशन लेने के, मतलब आपकी डोनेशन फीस है। तो देखो, मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, मतलब हम अपर मिडिल क्लास में आते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम कर लेते हैं, एडमिशन भी दिला देते हैं बच्चों को। लेकिन मैं उस मध्यम वर्ग की बात करना चाह रही हूँ, जो लोग अपने खेत खलियान, अपने घर, इनको मतलब गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए सर्वाइव करना इस सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये व्यापारीकरण कोई नया व्यापारीकरण नहीं है, मतलब ये बिज़नेस जो स्टडी लेवल का जो बिज़नेस है, कोटा, दिल्ली और इलाहाबाद और भी बहुत सारी जगह हैं, मैं तो इन तीन जगहों को ही ज़्यादा जानती हूँ। क्योंकि जो मैंने अपनी CPMT की तैयारी करी थी, एम्स दिल्ली से तो मैंने JRship करी है, जो मैंने अपनी CPMT की तैयारी करी थी LN से करी थी, तो वो जगह मैंने देखी है। उस टाइम तो वहाँ अच्छा था, लेकिन मैंने जब तैयारी करी थी वो 2007 का टाइम था, 7-8 का टाइम था, आफ्टर 10th क्लास पास आउट करने के बाद मैं GK प्रिपरेशन के लिए निकल गई थी अपने घर से। तो और उसके बाद जब ये व्यापारीकरण जब बिल्कुल सरेआम होने लगा, वो 2015 से स्टार्ट हुआ है। तो उसी के बारे में बात करनी है आप लोगों को कि यार, सरकार के सामने आप लोग ये चीज़ों को रखो ना। दिल्ली में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का कौन जिम्मेदार है, जो उन तीन बच्चों की मृत्यु हुई है पानी में डूब के, वहाँ पे लाइब्रेरी, गाइस मेरा भाई भी पढ़ रहा है, हम लोग ये फेज देखे, मतलब एक रूम के कई सारे पार्ट्स बना दिए जाते हैं, वो प्लाईवुड लगा के, मतलब छोटे छोटे से चैम्बर जिसमें एक, मतलब हम लोग जो पेशेंट को सुलाते हैं ना, चेयर होती है उस टाइप के, मतलब सोने के लिए उनके लिए इंतज़ाम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यही गुजारिश है सभी कोचिंग सेंटर के मालिकों से जो चला रहे हैं, प्लस मुझे विकास दिव्य कीर्ति सर, दैट्स माय, मतलब वो मेरे बहुत, मैं उनको गुरु मानती हूँ अपना। हालांकि मैं उस ब्रांच से नहीं हूँ, लेकिन उनकी कही हुई बात सारी ही सच होती है और वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट सी रखते हैं। जब भी मैं गर्दिशों में जाती हूँ तो हमेशा उनके स्पीच सुनती हूँ। तो इन लोगों से बस यही कहना है कि आप एटलीस्ट बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं, पेरेंट्स भी इतने छोटे छोटे चीज, इवन हम लोगों ने भी हमारे भाई को दिलाया था,
इतने छोटे छोटे से चैम्बर्स के लिए हम दोनों 10,000 रुपये मंथली पे करते हैं, प्लस खाने का अलग, टोटल मिला के यूँ समझ लीजिए 20,000-22,000 रुपये का खर्चा आता है, 35,000 तक चला जाता है। और अगर सिंपल एक रूम ले तो 40,000 रुपये तक का खर्चा हो जाता है महीने का। तो जो बच्चा इतने पैसे दे के ऐसे IAS IPS बन रहा है, वो बच्चे क्या भविष्य लिखेंगे? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को ही ऐसे देखा है, और इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पहला है ब्रोकर। अब ब्रोकर का मैं बता देती हूँ क्या दायित्व होता है। ब्रोकर, हम जैसे बच्चे निकल जाते हैं पीठ पे बैग टांग के, है ना, देखते हैं कहाँ, पहले तो सबसे पहले रहने और खाने की जगह देखते हैं। कोचिंग तो खैर नेट से सर्च कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बाजीराम ही फेमस है, और स्पेशली PG के लिए डैम्स फेमस है। तो अभी उंगली उठ रही है कि मतलब ये जो कोचिंग सेंटर है IAS की, तो जितनी ही IAS की कोचिंग सेंटर है उतने ही जिम्मेदार मेडिकल वाले भी हैं, डैम्स भी उतना जिम्मेदार है। मैंने डैम्स से पढ़ाई करी थी PG के लिए, अगर माहौल अच्छा होता, वहाँ मुझे अच्छी चीज़ें मिली होती, तो मैं वो कोचिंग सेंटर कभी नहीं छोड़ती, और आज मैं एक PG मतलब सर्जन होती। मेरे को वहाँ का माहौल ही समझ में नहीं आया। एक कोचिंग सेंटर, एक रूम, सैटरडे संडे वहाँ क्लास चलती है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 10:00 AM से, और रात के 8-9 AM तक क्लासेस होती है। 2 दिन में वो इतना सिलेबस खिंचवाते हैं कि पूरी की पूरी, मतलब उनके जो नोट्स की बुक्स होती हैं पूरी पढ़ा देते हैं। तो वहाँ पे पता है क्या होता था, बच्चे मतलब कोचिंग में घुसने से पहले 3 घंटे पहले वहाँ जाके बैठ जाते ताकि आगे की सीट हमें मिले, है ना। तो और जो बच्चे मतलब लेट हो जाते थे ना, पता है उन्हें पीछे खड़े रहना पड़ता था लिटरली। आप सोचो कोई बच्चा सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खड़ा है, क्या वो नोट्स लिख पाएगा, क्या वो पढ़ पाएगा, है ना। तो हर चीज़ में लिमिटेशन होनी चाहिए। दिल्ली सरकार से यही गुजारिश करती हूँ, एक बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी वहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और रही बात, सरकार को एक बार वहाँ का फूड लेवल चेक करना चाहिए, कैसे वो रह रहे हैं बच्चे, कैसे उन्हें रखा जा रहा है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हम जो PG लेते हैं ना वो तो हैं ही ख़राब, लेकिन कोचिंग जो हमें PG अवेलेबल करवाता है ना वो भी ख़राब होते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे पार्टिसिपेट करके ही हमें दिए जाते हैं। तो बहुत बुरा लगा जिन 3 बच्चों की डेथ हुई है उनको देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी दौड़ से निकल के यहाँ आके बैठे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे, हाँ मुझे पता, फ़ोन कर दिया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यार कुछ तो ऐसी लिमिटेशन बनाओ, इस व्यापारीकरण को रोको। ब्रोकर्स हैं, MCD वाले हैं, फायर वाले हैं, पुलिस को भी अच्छा खासा पैसा खिलाते हैं, फूड डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट को पता नहीं है कहाँ क्या बन रहा है, 20 रुपये की थाली मिल रही है, तो 20 रुपये की थाली कौन देता है यार। वहाँ पे पता है दाल मखनी ऐसे रातों में बना के सड़ी हुई, मतलब बहुत चीज़ें मैंने देखी है दिल्ली में जब मैं रही थी। तो और वही चीज़ मेरे भाई ने भी देखी है, आज वो DU में प्रोफेसर है और अभी आउट ऑफ इंडिया है। अगर यही हाल रहा ना, तो पता है मेरे भाई को अगर फर्स्ट चीज़ कुछ पूछी जाती है ना, तो वो हमेशा आउट ऑफ इंडिया को ही प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वो भी तंग आ चुका था इन सभी चीज़ों से। और ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं लाइफ में, इन चीज़ों में ही तबके सोना बनती है चीज़ें। जब कोई जौहरी अगर कोई डायमंड बनाना चाहता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा घिसाई जिस डायमंड की होती है उतना ही महंगा वो डायमंड बिकता है। तो ऐसे ही है, लेकिन डायमंड बनते बनते कोई अपनी जान गंवा रहा है, तो ऐसा डायमंड न बन के पत्थर बने ही रहना अच्छा है। एटलीस्ट वो बच्चा आपके सामने तो रहेगा। और कुकू के लिए भी यही सोचती हूँ, मुझे डर लगता है आजकल का माहौल देख रही हूँ कि कैसे व्यापारीकरण हो रहा है, स्टडी का पेपर्स लीक हो रहे हैं सोसाइटी में, मतलब लड़कियों का चलना मुश्किल हो रहा है, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और ऐसा ही रहा तो एक दिन मुझ जैसे लोग इस देश को छोड़कर जाना ही सही समझेंगे। तो हिंदुस्तान सरकार से यही गुजारिश है कि आप मेन तथ्यों को पकड़ें,
अपनी मतलब एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो अपनी न्यू जनरेशन को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि आजकल डिप्रेशन है, दिमाग की बीमारियां हैं, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे से चैम्बर्स में रहेंगे, ना कुछ खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, ना कुछ है। दिल्ली में आप देख लीजिए बहुत बुरी कंडीशन है, मुझे तो दिल्ली के नाम से ही डर लगने लगा है, हालांकि मेरी सारी स्टडी दिल्ली में हुई है, बट हाँ ये कन्फर्म है मैं अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने तो कभी नहीं भेजूँगी, ये कन्फर्म है। इससे बेटर मैं अपने बच्चे को फार्मर बना लूँ, अपने बच्चे को घर में ही बिजनेस करवा लूँ, लेकिन नहीं, ऐसी जगह नहीं भेज सकती। और बस इस व्यापारीकरण को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे युवा पढ़ना चाहते हैं, कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं यार, नाले इतने गंदे पड़े हैं, उन नाल ब्लॉक हो रहे हैं, मतलब नाले बिल्कुल ब्लॉक हो रहे हैं ना, सफाई नाम का। बारिश के मौसम में तो ऐसा लगता है बड़ी सिटियों को देख के कि इनसे बड़ी कीचड़ इस दुनिया में कोई नहीं है, और उसमें फिर बाहर का खाना वो तो माशाल्लाह बड़ा ही ख़राब है। तो बस यही आपको अवेयर करना चाहती थी कि मुहिम छिड़ने वाली है, आप सब लोग अपना योगदान करें, अपने अपने चीज़ों के लिए लड़ें, क्योंकि हम जब तक फाइट नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए, हम अवेयर नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे भी इसी चक्की में पिसेंगे, और जो आटा निकलेगा वो कितना गंदा आटा, और गंदे आटे की रोटियां कौन खाना चाहता है, कोई भी नहीं खाना चाहता। तो इसलिए और जितने भी ब्रोकर्स हैं, सबसे पहले दिल्ली पुलिस उनको पकड़े, और वहाँ पे पता है कई चीज़ें क्या होती है, जैसे मेरा जो कोचिंग था डैम्स करोल बाग में था, करोल बाग में क्या होता है पता है, वो बाहर से आके लोग होटल्स को पूरा पूरा होटल्स बुक होता है, पता है सैटरडे संडे के दिन आसपास के होटल में एक भी रूम नहीं मिलता। हालांकि मैं तो मेरे फादर रेलवे पुलिस में थे, तो हमारा तो गेस्ट हाउस होता था, मैं जो कौन सी जगह थी यार, न्यू दिल्ली में कनाट प्लेस में हमारा गेस्ट हाउस होता था, तो मैं वहाँ रुकती थी अपने पापा के साथ जब मैं कोचिंग कर रही थी। फिर वो चीज़ें मुझे काफ़ी टिपिकल लगने लगी कि सैटरडे को घर से जाना, आगरा में उस टाइम हम लोग रहते थे, घर से जाना, फिर सैटरडे नाइट को वहाँ पे सैटरडे नाइट को वहाँ रहना गेस्ट हाउस में, तो बहुत हैक्टिक लगने लगी। तो फाइनली मैंने कोचिंग छोड़ दी, फिर मेरी शादी हो गई, शादी के बाद आप सब लोग तो जानते ही हैं क्या क्या हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी बंदा ऐसे ना पिसे, और ये व्यापारीकरण को बंद किया जाए, दिल्ली पुलिस घूस लेना छोड़े, काम करे दिल्ली पुलिस अच्छे से, दिल्ली के जितने भी मतलब नेता हैं वो भी अच्छे से काम करें, क्योंकि आप लोग ये देखिए ना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए ना, कि आप लोगों के यहाँ से कितने सारे IAS अधिकारी बन के गए हैं। तो इसी के साथ हम अपनी ब्लॉगिंग को ख़त्म करते हैं। होप सो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा मुद्दा आपको अच्छा लगे, मेरा मुद्दा आपको समझ में आया, और आप सब लोग भी इस चीज़ में सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल ऑफ यू, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग।